मोकामा में मछली मारने के विवाद में हुई हत्या का एएसपी ने किया खुलासा। बता दें कि मंगलवार की देर शाम 5 बजे घोसवड़ी थाना अंतर्गत ग्राम तारतर के सुनील सैनी पिता जगदीश सैनी अपने किराना दुकान पर बैठे थे, उसी समय गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि प्राथमिकी अभियुक्त सतीश सैनी, रुदल सैनी और ओपी सैनी तीनों पिता भिखारी सैनी तारतार थाना घोसवड़ी के द्वारा मछली के पट्टे के विवाद को लेकर गाली गलौज करते हुए गोली मार दी। इस संदर्भ में मृतक सुनील सैनी की मां मंती देवी के लिखित आवेदन के आधार पर घोसवड़ी थाना में मामला दर्ज किया गया है। घटना की जानकारी होने पर तत्काल थानाध्यक्ष संजीव मौर के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर अभियुक्त के विरुद्ध छापेमारी की गई। छापेमारी कर अभियुक्त रुदल सैनी, सतीश सैनी उर्फ छतीश सैनी को ग्राम तारतर एवं करड़ा के बीच स्थित चाल क्षेत्र से गिरफ्तार कर थाना लाया गया। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 315 बोर का एक देसी खोखा बरामद किया गया है। सर, किस मुद्दे पर दोनों गिरफ्तारी हुई, क्या पूरा मामला है? देखिए, ये हम लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, ये घोसवड़ी थाना की टीम ने एक सराहनीय कार्य किया है। थानाध्यक्ष घोसवड़ी यहाँ पर हैं, इसके लिए ये आयोजित की गई है। और जैसा कि आप लोगों ने आज के अखबार में देखा होगा, दिनांक 21 को घोसवड़ी थाना एक हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसमें ये शिकायत मिली थी कि तारतर ग्राम के निवासी हैं सुनील सैनी पिता जगदीश सैनी, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जो अग्रिम अनुसंधान और जिस तरह से छापामारी जो घोसवड़ी टीम थाना की टीम के द्वारा की गई है घोसवड़ी थानाध्यक्ष के नेतृत्व में, उसमें पता चला कि जो प्राथमिकी अभियुक्त थे, तीन लोग इसमें प्राथमिकी अभियुक्त हैं, सतीश सहनी उर्फ छतीश सहनी, रुदल सहनी और ओपी सहनी, तीनों भाई हैं और इनके पिता का नाम भिखारी सहनी है, ये भी ग्राम तारतर के ही निवासी हैं। मुख्य झगड़ा जो था वो मछली मारने के पट्टे को लेकर हुआ था। जो अभियुक्त लोग हैं, इन्होंने पिछले वर्ष मछली मारने का पट्टा या मछली ये लोग मार रहे थे, और अभी इस वर्ष जो मृतक हैं उनके परिवार को इसका पट्टा मिला था और इसी बात को लेकर विवाद था। दोनों पक्षों के बीच संभवतः 21 तारीख को ही दिन में भी झगड़ा हुआ था, और उसके बाद जब ये झगड़ा हुआ तो इसने हिंसक रूप ले लिया और उसमें इनकी तरफ से गोली चलाई गई अभियुक्तों की तरफ से, जिसमें सुनील सहनी की मृत्यु हुई थी। इस संदर्भ में जो कांड के मृतक हैं सुनील सहनी, उनकी माँ के द्वारा प्राथमिकी का आवेदन दिया गया था, जिसमें प्राथमिकी संख्या 4722 दर्ज किया गया है, धारा 3234 और 27 आम सेक्टर के अंतर्गत। थानाध्यक्ष घोसवड़ी के नेतृत्व में छापामारी की गई है, और इसमें छापामारी के क्रम में रुदल सहनी और सतीश सहनी दो भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। अभी भी एक अभियुक्त फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अग्रिम अनुसंधान और छापामारी की जा रही है। अभी तक की जाँच में जो बात हमारे सामने आई है कि गिरफ्तार दो अभियुक्तों में रुदल सहनी के ऊपर लखीसराय जिला अंतर्गत पूर्व से एक मर्डर का केस था, जिसमें लगभग 8 वर्ष से अधिक वो जेल में रहकर आए हैं, और क्या आपराधिक इतिहास इनका सीमावर्ती थानों में हो सकता है, उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं ये लोग और इसको एकत्रित करेंगे, इनका आपराधिक इतिहास क्या रहा है। इसमें एक देसी खोखा मौके से इनको बरामद हुआ है। छापामारी दल में थानाध्यक्ष घोसवड़ी संजीव मवार जी के अलावा प्रपुवानी नीलमणि कुमार यादव जो आप ही हैं, ये रहे हैं वहाँ पर, और टाल क्षेत्र में गिरफ्तार करने के लिए काफ़ी दौड़भाग की है इन लोगों ने, तो इसकी हमने कराना